दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वॉइस ऑफ काशी में। मैं प्रशांत आज एक बार नया वीडियो लेकर के आपके पास आ रहा हूँ। आज हम लोग जो घूमने निकले हैं वो डायरेक्शन है BHU का, यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और आपको भी मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर का व्यू दिखाऊँगा। वहाँ पर जो अलग अलग फैकल्टीज़ हैं उनमें से जहाँ जहाँ से हम गुजरेंगे वो फैकल्टीज़ आपको दिखाएंगे। BHU आप सभी को पता है बनारस की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। सिर्फ बनारस की ही नहीं, पूरे देश की काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है। पूरे देश और विदेश से बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। लाखों हज़ारों की संख्या में लोग हर साल यहाँ एंट्रेंस देते हैं। कुछ क्वालिफाई होते हैं तो पढ़ाई करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते। इच्छा बहुतों की होती है। यहीं पर अंदर BHU के विश्वनाथ टेम्पल भी हैं, जो आपको पता होगा पूरे विश्व में जिनका यहाँ इस मंदिर का शिखर सबसे बड़ा है, शंकर जी के मंदिरों में। वो भी हम लोग दिखाएंगे। क्या जी, वहां चलेंगे? आपकी एक वीडियो में था, आप लिंक मिल जाएगा। हाँ, हालांकि पहले भी एक वीडियो मैंने बनाया है मंदिर के अंदर का। अभी हम लोग केवल बाहर से ही टहलेंगे। मालवी भवन भी दिखाऊंगा, लक्ष्मण दास अतिथि भवन भी आपको दिखाऊंगा। और जहाँ जहाँ IIT BHU भी चलेंगे। IIT BHU भी आपको दिखाऊंगा। जनरली हम लोग घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन ब्लॉग कभी कभी बन पाता है। जब भी हम लोग को अवसर ऐसा मिलता है, हम लोग का जब सारा सेटअप रेडी रहता है तो पूरा प्रयास करते हैं कि वीडियो पे बन जाए उस लोकेशन पे। तो फिलहाल ये जो आप लोकेशन मेरे पास देख रहे हैं ये BHU ही है। ये मतलब लंका चौराहा है इधर, और सामने ये BHU का गेट दिख रहा है। मैं अभी आगे से भी चल के दिखा रहा हूँ। सामने ये लंका चौराहा है, चौराहे पे ही मालवीय जी की प्रतिमा लगी हुई है। अभी क्लोज चलते हैं तो मैं आपको ज्यादा क्लियर दिखा पाऊंगा। जनरली इस लोकेशन पे बहुत ही ज्यादा जाम रहता है। सामने आप अगर देखें तो ये मालवीय जी की प्रतिमा आपको दिख रही होगी, पंडित पद्म मोहन मालवीय, जिन्होंने BHU का निर्माण कराया। और यहीं सामने ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय का गेट। मैं थोड़ा जूम करूं, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा कैमरा बाहर निकाल करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये BHU का गेट है, मेन गेट, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जहाँ हर साल लाखों की संख्या में विद्यार्थी एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, कुछ का सिलेक्शन हो पाता है। ये एंट्रेंस गेट, हम अब अंदर चल रहे हैं और इस साइड सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए कुछ अपार्टमेंट, कुछ फ्लैट है। ये इधर लेफ्ट में जो आप देख रहे हैं ये महिला महाविद्यालय है BHU का। इसका गेट आगे से है एंट्रेंस। और राइट साइड जो देख रहे हैं ये सर सुंदरलाल हॉस्पिटल है यहाँ का। यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ होती है, बहुत ही बड़ी संख्या में लोग यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं। और ये गेट के अंदर आते ही BHU का तिराहा, ये तिराहा है, आप लेफ्ट साइड देखिए महिला महाविद्यालय का कैंपस, ये तिराहा, और सामने सरस्वती जी की प्रतिमा। जैसे ही हम BHU के गेट के अंदर आते हैं सामने आप माँ सरस्वती जी की प्रतिमा भी देख सकते हैं। ये इसी पे झरना भी एक लगाया गया है। इस समय तो झरना बंद है, तो झरना भी कभी कभी काम करता है। यहाँ पे ये गार्ड्स रहते हैं। ये सामने राइट साइड में सर सुंदरलाल हॉस्पिटल का मेन गेट है। बहुत भीड़ यहाँ पे रहती है, टोकन लेना पड़ता है। और लेफ्ट साइड IMS BHU, ये यहाँ का IMS है, चिकित्सा विज्ञान संस्थान। और राइट साइड में अभी सर सुंदरलाल हॉस्पिटल का ही कैंपस चल रहा है। ये BHU का लोकेशन। मालवीय जी की बगिया वास्तव में बहुत सुंदर है। जो कोई भी यहाँ जो कोई भी भ्रमण के लिए आता है बहुत ही आनंदित होके जाता है। स्वच्छ हवा, हर तरफ ग्रीनरी, साफ सुथरी जगह, जगह जगह पे एंटी रैगिंग बोर्ड लगाए। हालांकि अब रैगिंग तो हर जगह ही लगभग बंद हो गई है। सब कैंपस देखें आप चारों तरफ से। राइट साइड आप जो देख रहे हैं, धीरे करो, ये मालवीय भवन है। ये यहाँ का मालवीय भवन, धीरे धीरे यहाँ पे, यहीं पे मालवीय जी जब थे तो प्रतिदिन शाम को श्री रामचरित मानस का पाठ करते थे और अलग अलग धार्मिक पुस्तकें पढ़ते थे। और इसी के ठीक बगल में ये श्री लक्ष्मण दास गेस्ट हाउस भी है,
सामने लग रहा है कोई बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसी बात को लेके। यहाँ अनिश्चितकालीन धरना धरना है ये। अच्छा शायद फीस को लेके, शायद फीस को लेकर के है, अभी आइडिया नहीं है क्या है। तो अब रॉन्ग साइड मुड़ गए ऐसे, यहाँ से कैसे चलेंगे आगे? अच्छा आगे से देखते हैं, लेफ्ट लेके चलते हैं। हालांकि दोस्तों वीडियो हो सकता है, उम्मीद है लंबी बनेगी। ये देखिए यहाँ का ये एनसीसी नहीं सॉरी चीफ प्रॉक्टर ऑफिस है, ये सेंट्रल ऑफिस नहीं है, चीफ प्रॉक्टर ऑफिस है। अपनी कहानी आप बता सकते हैं, हम लोग आए थे एक बार, एक बच्ची को जो है कि शाम को हम लोग घूम रहे थे तो एक बच्ची को कुछ बाइक वाले धक्का दे दिए थे, उसको चोट लग गई थी। तो फिर उस सबको लेकर के यहीं चीफ प्रॉक्टर ऑफिस में हम थे और चिंटू था साथ में। वो बच्ची बेचारी बहुत परेशान हुई प्रॉक्टर ऑफिस से। बाद में सीसीटीवी कैमरे की फुटेज वगैरह लोग मंगा रहे थे चेक करने के लिए, गाड़ी को आइडेंटिफाई करने के लिए, लेकिन मिला नहीं। तो काफ़ी लेट हो गया, उस समय 9 बज गया। तो हम लोग भी वहाँ से फिर लौट आए, बाकी हॉस्टल के और सारे बच्चे उस बच्ची के साथ थे उसके सिक्योरिटी के लिए, और सिक्योरिटी गार्ड्स भी बहुत सारे थे। ये देखिए जो शताब्दी हॉस्पिटल है बीएचयू का, उसी का ये बैक डोर है। यहाँ पे बहुत सारे ट्रांसफार्मर और एसी का एग्जास्ट लगा हुआ है। देखें ये एनसीसी ऑफिस, यहाँ की कुछ प्रिपरेशंस चल रही हैं लगता है, कुछ तैयारियाँ हो रही हैं। ये हवाई जहाज की फोटो यहाँ पे एक लगाए हैं, जेट फाइटिंग प्लेन। ये है एनसीसी कैडेट ऑफिस। यहाँ की आबो हवा इतनी ही शीतल होती है, इतनी मनमोहक होती है, आकर्षक होती है कि जो कोई भी यहाँ घूमने टहलने आता है बहुत ही आनंदित होकर के जाता है। और आप घूमते रहेंगे यहाँ, आपका मन नहीं भरेगा, इतना सुंदर यहाँ पे व्यू मिलता है, बहुत बढ़िया। आप लोग खुद यहाँ टहल रहे हैं, इतना अच्छा, इतना सुकून मिलता है कि एक्सप्लेन नहीं कर सकते। देखिए एक रास्ता यहाँ से भी आता है सुंदरपुर से होते हुए, और हम लोग यहाँ लेफ्ट में चल रहे हैं। हाँ मैं ये कह रहा था कि व्लॉग का लेंथ काफ़ी लंबा हो सकता है, तो प्रयास करिएगा पूरे व्लॉग में बने रहें, वीडियो को देखते रहिएगा, आनंद लेते रहिए। यहाँ देखिए राइट साइड में ये बिरला हॉस्पिटल है, हॉस्टल है सॉरी बिरला छात्रावास, जो कि आर्ट्स फैकल्टी का है बीएचयू का। और यहीं लेफ्ट साइड ग्राउंड है, ग्राउंड में भी बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। इसमें अभी एक आदमी दिख रहा है बाइक राइडिंग भी कर रहा है, हालांकि ग्राउंड में बाइक राइडिंग अच्छा नहीं होता, बच्चे खेल रहे हैं, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सही है। बिरला छात्रावास का काफी ज्यादा वेब सीरीज और पिक्चरों में भी जिक्र हुआ है। ये बिरला छात्रावास काफी बड़ा है, आर्ट्स फैकल्टी के बच्चे यहाँ पे रहते हैं, अच्छे अच्छे नेता परेता सब यहीं से आए। और इधर राइट लेफ्ट में आपका बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पे बिरला छात्रावास एंड होता है, ब्लॉक A-C, A-C पूरा लिखा हुआ है। दूसरा हाँ ओपन जिम वहाँ पे बना है, वो सामने दिख रहा है, यहीं पे ओपन जिम भी बनाया गया है सामने, अभी देखेंगे पास में अगर चलना होगा तो दिखाएंगे वहाँ पे। और ये है ब्रोचा, यहाँ का ब्रोचा हॉस्टल आप देखें, ये यहाँ का ब्रोचा हॉस्टल है। राइट साइड ब्रोचा और लेफ्ट साइड दूसरा ग्राउंड, बच्चे स्केट्स कर रहे हैं बास्केटबॉल कोर्ट में। और पूरा व्यू बहुत ही सुंदर, बहुत मनमोहक, हर जगह गार्ड्स वगैरह भी वैसे खड़े रहते हैं सिक्योरिटी के लिए, चौराहों चौराहों पे गार्ड्स आपको मिलते रहेंगे। ये ब्रोचा हॉस्टल का लास्ट गेट है शायद। ये चौराहे की कुछ दुकानें, ये जो दुकान देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाली यहाँ पर हम लोग कभी कभी चाय पीने आते हैं शाम को। और ये हेल्थ सेंटर आगे है, बीएचयू का हेल्थ सेंटर, जो यहाँ के स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना हेल्थ कार्ड बनवाने के लिए यही संपर्क करते हैं, अपना हेल्थ कार्ड यहाँ बनाएंगे, उनका जो भी पैकेज होता है जहाँ तक भी उनको रिफंड हो मिल सकता है, या क्या बोलते हैं उसको,
रीइंबर्समेंट, हाँ रीइंबर्समेंट हो सकता है, वो सब यहाँ पे होता है, या फ्री इलाज भी। चौराहों चौराहों पर अलग अलग खाने पीने की दुकानें होती हैं, इधर समोसे की दुकान है, समोसा खाने लोग यहाँ आते हैं, इधर फ्रूट्स वगैरह की शॉप है, साइकिल की भी दुकान है, वहाँ पे साइकिल पंचर बना रहा है पंचर पुत्र ना। और ये सर्वपल्ली राधा कृष्णन छात्रावास, सर्वपल्ली राधा कृष्णन हॉस्टल है ये। और हम लोग लग रहा है कि आईआईटी की तरफ बढ़ रहे हैं क्या, है ना, आईआईटी की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि जहां भी पहुंचेंगे दिखाएंगे, डॉक्टर भगवान दास हॉस्टल है ये। देखिए हो सकता है व्यूज में जो नाम है बोर्ड के वो पढ़ने में ना आए, वो अलग फैक्टर है, क्योंकि मैं वाइड एंगल पे शूट कर रहा हूँ 0.5 mm पे। ये गुरटू छात्रावास है वाणिज्य संकाय का, डॉक्टर इकबाल नारायण। और बीच यहीं अगल बगल प्रोफेसर्स का लगता है घर भी है। ये रामकृष्ण छात्रावास राइट साइड, हाँ लेफ्ट में देखें, जो मैं बात कर रहा था विश्वनाथ जी मंदिर, वीटी टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल लोग शॉर्ट में बोलते हैं स्टाइल में, श्री विश्वनाथ जी टेम्पल हम लोग बोलते हैं, एंड वहाँ का ये पिछला गेट है। अभी फ्रंट से भी चल के आपको दर्शन कराएंगे, यहाँ से शायद ही शिखर दिख रहा होगा, अगर ध्यान से देखें तो ये थोड़ा सा झलक मिला, थोड़ी झलक मिली है ना, थोड़ा थोड़ा दिखा यहाँ से देखिए। अभी फ्रंट से चल के दिखाऊंगा, और सामने सजावट वगैरह हुई है, क्या कोई फंक्शन है क्या लगता है, अगर कोई फंक्शन होगा तो वीटी में गाड़ी तो नहीं, इधर आईआईटी कैंपस में गाड़ी तो नहीं जाने देंगे, फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं जहां तक भी चलें, अगर नहीं जाने देंगे तो ट्राई करेंगे पैदल जाने का, जैसा टाइम हम लोग को अलाउ करे। आईआईटी बीएचयू के लिए एक एंट्रेंस गेट ये है न जी, यहाँ से भी एंट्री होती है, लेफ्ट साइड भी जाया जा सकता है और राइट में भी जाया जा सकता है, हालांकि राइट चलेंगे तो फिर वापस एक्सट्रीम राइट पे बाहर निकल जाएंगे गेट के, हैदराबाद गेट के थ्रू। हम लोगों ने लेफ्ट लिया यहाँ से, अब देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं भाई। आईआईटी का मेन गेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे भी ग्राउंड हो सकता है, एक टेक फेस्ट चल रहा है क्या, हमें लगता है मे बी टेक फेस्ट चल रहा हो, बीएचयू का आईआईटी बीएचयू में टेक फेस्ट जब चलता है तो यहाँ के स्टूडेंट्स बहुत ही अद्भुत डिवाइसेस बना करके लाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मैकेनिकल डिवाइसेस, यानी जो भी थ्योरी पढ़े रहते हैं वो सब यहाँ अप्लाई करके प्रैक्टिकल कर देते हैं उसको। ये एरोप्लेन सामने दिख रही है आपको, यहाँ आईआईटी बीएचयू, सॉरी कैमरा नहीं घूम पाया, अभी घुमाया उधर पीछे चला गया है। जैसा मैं बोला वाइड एंगल पे मैं शूट कर रहा हूँ 0.5 mm पे, तो कुछ चीज़ें बहुत विजिबल होंगी, कुछ चीज़ें मे भी कम विजिबल हों। थोड़ा इधर से ले लेते हैं, वीटी का एक कैंपस दिखा देते हैं, वहीं से वो भी दिखा देते हैं, सेंट्रल लाइब्रेरी और जो एजी है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, दोनों को यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ। देखिए यहाँ पे हम फिलहाल लेफ्ट ले लिए, ये अब हम लोग विश्वनाथ टेम्पल के मेन गेट के यानी मुख्य द्वार की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सामने देखिए वीटी का एक छोटा सा पोर्शन आपको यहाँ से दिखा, हालांकि अभी मैं क्लोज करके दिखाता हूँ। ये विश्वनाथ टेम्पल का मुख्य द्वार, ये जो चौराहा है, यहाँ से राइट ले भी सकते हैं हम लोग, और यहाँ पे ब्रेक ले लो। ये है मुख्य द्वार विश्वनाथ टेम्पल का, हम लोग को राइट एक्चुअली चलना था वहाँ सेंट्रल लाइब्रेरी, या तो रुको हम पैदल घूम के आते हैं, यहीं आगे रुको मैं आता हूँ।
इधर जंतु विज्ञान विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, ये है डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, और इसी के ठीक आगे पड़ता है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स भी, और उसी के बाद पड़ता है आर्ट्स डिपार्टमेंट। पूरा साइंस फैकल्टी में हम लोग घूम रहे हैं। कहाँ, इधर चले कि इधर चले? चलो, और एकदम सीधे जो है ये सेंट्रल ऑफिस जाता है, वाइस चांसलर का ऑफिस यहीं सीधे। लेकिन अब हम लोग यहाँ लेफ्ट में टर्न ले लिए, आओ दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या डिपार्टमेंट है आगे। जैसा कि मैंने बताया, ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री है। हाँ, बहुत बड़ा कैंपस है, इसलिए एक वीडियो में तो पूरा कवर करना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही लिया जा सकता है। अभी आज जितना हो रहा है हो रहा है, फिर देखेंगे, कभी ट्राई करेंगे, दूसरे वीडियो में भी डाल के आपको दिखाऊंगा। और यह है फिजिक्स डिपार्टमेंट यहाँ का। पेड़ पौधे हैं कि उतना क्लियर नहीं दिख रहा है। ये राइट साइड में ग्राउंड विज्ञान संस्थान अगर दिख रहा हो तो देखिए, हालांकि ये बहुत दूर है। ग्राम देवता अकेला वीर बाबा का मंदिर यहाँ पे भी है, मतलब यहाँ पे है। और ये आर्ट्स फैकल्टीज के जस्ट नियर बाई, इतने पेड़ पौधे हैं कि यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है क्लियर। ये सामने जो आप डिपार्टमेंट देख रहे हैं, ये ज्योतिष विभाग है यहाँ का। इतना पेड़ है कि कहाँ से डिपार्टमेंट मैं दिखाऊं। उधर से थोड़ा लेफ्ट लेना तो वहां से थोड़ा क्लियर दिखेगा। इधर ज्योतिष विभाग है, हम आपको दिखा रहे हैं आगे से लेफ्ट में लेके। और ये है राइट साइड में फिलहाल, ये जो है लॉ फैकल्टी है, लॉ फैकल्टी है यहाँ की। लेफ्ट हम फिलहाल ले लिए हैं, लेफ्ट में दिखाता हूँ। ये देखिए लेफ्ट में जो डिपार्टमेंट आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा जूम करूँ, क्लोज करता हूँ, ये है ज्योतिष विभाग। और राइट साइड में आयुर्वेद डिपार्टमेंट है। यहाँ पे आयुर्वेद फैकल्टी, ये फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट है, विजुअल आर्ट्स, स्पेशली अगर हम उसकी बात करें तो दृश्य कला संकाय है। राइट साइड में फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, प्रबंध शास्त्र संस्थान, यहाँ से प्रबंधन की जानकारी मिलती है। और ये भारत कला भवन लेफ्ट में, इतना बड़ा होने की वजह से डिपार्टमेंट का नाम पूरा जबान पे तो नहीं है, मैं यहाँ का छात्र नहीं रहा हूँ, फिर भी थोड़ा मोड़ा तो जानते ही हैं, बस बनारस के नागरिक होने की वजह से। हाँ, राइट साइड, लेकिन शायद गाड़ी नहीं जाएंगे यहाँ पे। देखिए राइट साइड जो है वो सेंट्रल लाइब्रेरी और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दोनों पड़ता है, लेकिन यहाँ शायद सिक्योरिटी गार्ड्स आगे नहीं बढ़ने देंगे। हाँ, वो इशारा कर रहा है, इशारा कर रहा है, नहीं जाना है ना। यहाँ पे जो है, और ठीक पीछे है, मतलब हमने जो राइट लिया, अगर हम लेफ्ट लेते तो वहाँ से हम सेंट्रल ऑफिस चले जाते, यानी वाइस चांसलर ऑफिस। यहाँ पे राइट साइड में जो है, दिस इज सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है, मैंने इसको अंदर से देखा है, हमको हमें लगता है लाखों पुस्तकें। और ये लेफ्ट में आप देख रहे हैं, देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज, कृषि विज्ञान संस्थान,
यहाँ भी बच्चे पढ़ाई करने के लिए ललायित रहते हैं बीएससी एजी, क्योंकि एजी जो है ना वो बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ में अफिलिएशन होता है एजी का। और राइट साइड में सेंट्रल लाइब्रेरी आप देख ही रहे हैं, और एकदम सीधे बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर है पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित। यहाँ एक्चुअली इस ये जो स्ट्रेट रास्ता है मंदिर से लेके पीछे सेंट्रल लाइब्रेरी तक का, यहाँ कभी कभी सिक्योरिटी गार्ड्स अलाउ नहीं करते गाड़ियाँ ले जाना, आज पता नहीं कैसे अलाउ कर दिया। ठीक है, ये सामने जो है यहाँ से आईआईटी बीएचयू का मेन एंट्रेंस है, थोड़ा सा मैं क्लोज चल के दिखाता हूँ आपको। राइट साइड विश्वनाथ जी टेम्पल, सीधे आईआईटी बीएचयू का मेन गेट। एक आपको बोर्ड भी नजर आ रहा होगा जिसमें आईआईटी बीएचयू लिखा हुआ है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। अंदर अलाउ करेगा, चलो एक अंदर करो ना, चलो ना। एक व्यू अंदर से लेते हैं, वहाँ की जो जो फैकल्टीज हैं उस पर भी थोड़ा सा नजर डाला जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिक्योरिटी रीजन से यहाँ पे भी कभी कभी लोग अलाउ नहीं करते आना जाना बाहरी गाड़ियों। हाँ, बाहरी गाड़ियों को। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इस साइड सुपर क्या था ये कंप्यूटर। अच्छा, ये आईआईटी का कैंपस, यहाँ क्या लिखा है मेन वर्कशॉप, इस पे लिखा है मुख्य कार्यशाला। देखिए ये जो ग्राउंड है, अच्छा कोई स्पोर्ट्स फेस्ट हो रहा है यहाँ पे, टेक फेस्ट नहीं, दूर से देखने में ऐसा लग रहा था टेक फेस्ट है लेकिन स्पोर्ट्स फेस्ट हो रहा है, बच्चे अपना गेम खेल रहे हैं अलग तरीके का। और ये पूरा आईआईटी का कैंपस, स्वतंत्रता भवन इसी में आगे पड़ता है इसी रास्ते पे, हालांकि आगे जाके वो बंद रहेगा, आगे गौशाला है इसी में आगे भैया सीखते थे गाड़ी, समझे। एक केंद्रीय उपकरण केंद्र है ये, सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटी। हाँ तो दोस्तों यहीं तक अभी फिलहाल आज का वीडियो रखेंगे, एक बार इंट्रैक्शन फिर से हो जाए। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, जो भी फैकल्टीज हमने इसमें इंक्लूड किया आपने सब सारी फैकल्टीज को एंजॉय किया होगा ऐसा उम्मीद करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों से भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी बनारस से संबंधित जरूरी वीडियो समय समय पर मिल सकें और हम लोग को भी थोड़ा सा इनकरेजमेंट मिल सके, हम भी इनकरेज हो पाए और भी आगे वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों पूरे वीडियो में बने रहने के लिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।